हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट आई एम हेअ विद द न्यू पार्ट ऑफ वॉन्शन फैनफेक आज मैं एक्सप्रेशन uh, थोड़ा स्लो करने की कोशिश करूँगी तो जिसको भी ये वीडियो थोड़ी स्लो लगती है वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता है एंड फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल पर हर सेवेंटी लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं बट यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करते क्यों नहीं करते यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार आप लोग के लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब से मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ मेरी वीडियो अच्छी है जैसे मतलब स्टूडेंट को एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलने पे मतलब खुशी मिलती है ना यार वैसे मुझे मिलती है आई नो लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो गया बट गायज है मेरे चैनल पे जितने भी व्यूअर्स हैं वो या तो प्रेजेंट में स्टूडेंट हैं या पास्ट में स्टूडेंट रहे होंगे तो स्टूडेंट की फीलिंग दिया यार हर कोई समझता है इसलिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि विंग ने वांगजी को किस किया था और वांग जी बार बार यही सोच रहा होता है तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है आप वहाँ जाके देख सकते हैं जब विंग घर जाता है तो वांगजी उसके साथ डिनर करने के लिए उसका वेट कर रहा होता है पर विंग डिनर करने से मना कर देता है और अपने रूम में चला जाता है क्योंकि उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि जो लड़का उसे रोज़ रात को सपने में दिखता है उसका और वांगजी का क्या कनेक्शन है क्या वो दोनों एक ही पर्सन है और अगर ऐसा है तो वांगजी विंग को रोज सपने में क्यों दिखता है विंग और वांगजी का क्या कनेक्शन है वो दोनों तो अभी कुछ टाइम पहले ही मिले हैं तभी विंग के रूम में वांगजी आता है और उससे पूछता है कि विंग तुम डिनर करने के लिए क्यों नहीं रुके विंग उसे इस बार में मना कर देता है तो वांगजी विंग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे नीचे हॉल में ले जाने लगता है विंग बार बार वांगजी से उसे छोड़ने के लिए कहता है विंग कहता है कि वांगजी कल तो तुम ड्रंक थे इसलिए तुमने मुझे पेट पर अपने पास खींच कर हक कर लिया था लेकिन आज आज तुमने मुझे अपनी गोद में क्यों उठा लिया है पर वाग जी कुछ नहीं बोलता और उसे सीधे चेयर पर बिठा देता है जब सारे सर्वेंट्स ये सीन देख रहे होते हैं तो उन सब के माइंड ने तो जैसे वर्क करना ही बंद कर दिया था उन्हें तो इस बात पर ही बिलीव नहीं हो रहा था कि जो पर्सन उनके सामने है वो उनका यंग मास्टर वांगजी है जो किसी का टच भी बर्दाश्त नहीं करता था वो अपने बॉडी गार्ड को इस तरह अपनी गोद में उठा कर ला रहा है और वो भी सिर्फ उसे डिनर कराने के लिए इसके बाद सर्वेंट्स उन्हें फूड सर्व करते हैं वो फूड सर्व करते टाइम विंग को बहुत अजीब तरह से घूर रहे होते हैं विंग को बहुत एम्बेसिंग फील हो रहा होता है पर जब विंग वांगजी की तरफ देखता है तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था उसके फेस पर अभी भी वही सेम कोल्ड एक्सप्रेशन थे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो विंग सोचता है कि ऐसे तो वांगजी प्योर एंड क्लीन हार्टेड दिखता है पर उसे रह रह पता नहीं क्या हो जाता है जैसे कि कल रात में ड्रंक होने के बाद तभी उसे वांगजी के ड्रीम के बारे में याद आता है और वो वांग जी से कहता है कि वांग जी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ वाग जी बस अपना सिर हिला देता है वेंग उसे कहता है कि वाग जी कल रात को तुम ड्रीम में किसी से बार बार कार ओपन करने के लिए कह रहे थे तो क्या कभी पास्ट में तुम कार में लॉक हो गए थे वांग जी की आंखों में थोड़ा सा सरप्राइज रुक था पर वो विंग से कहता है कि नहीं विंग मेरे साथ पास्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ था इसके बाद दोनों डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं विंग और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था वो सोचता है कि अगर वांग जी के साथ पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तो वो रात को ऐसा ड्रीम क्यों देख रहा था और वो इतना ज़्यादा डरा हुआ क्यों था मेरे सपने में जो मुझे लड़का दिखता है अगर वो वांगजी नहीं है तो और कौन है फिर विंग को अपने सीनियर एंजल की बात याद आती है और वो सोचता है कि सीनियर एंजल सही कह रहे थे मुझे अपना टास्क कंप्लीट करने पर फ़ोकस करना चाहिए हेवन जाने के बाद तो मुझे मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल ही जाएंगे फिर विंग्स हो जाता है और उसे नाइट में फिर से एक ड्रीम दिखता है जिसमें एक छोटा लड़का होता है जो कार में लॉक होता है और बार बार कार ओपन करने के लिए, के लिए कहता है पर इस बार सपने में वो लड़का बार बार लंजा को आवाज़ लगा रहा होता है विंग लंजा का नाम लेकर उठ जाता है और सोचता है कि ड्रीम में आज उसने जिस लड़के का नाम लिया वो कौन है आज से पहले तो उसने ड्रीम में कभी भी लंजा का नाम नहीं लिया और ये लंजा है कौन नेक्स्ट डे जब वांगजी की नींद खुलती है तो उसे सबसे पहले विंग का फेस दिखता है वांग जी देखता है कि विंग उसके बेड के बगल से एक टेबल पर बैठा है विंग वांग जी को मॉर्निंग विश करता है और उसे बैठ ही देता है वाग जी विंग से पूछता है कि विंग तुम इतनी मॉर्निंग में, में मेरे रूम में क्या कर रहे हो विंग कहता है कि वांग जी मैं तुम्हारा बॉडी गार्ड हूँ और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ आज तुम्हारा डे ऑफ है तो आज हम कहीं घूमने चलेंगे और मैं ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और वो नीचे चला जाता है कुछ टाइम बाद वांग जी भी नीचे आ जाता है और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं इसके बाद विंग वांग जी को एक आर्ट गैलरी में लेकर जाता है वांग जी उससे पूछता है कि विंग तुम तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो विंग उसे कहता है कि वांग जी आज इस आर्ट गैलरी में एक फेमस आर्टिस्ट के कुछ फेमस कलेक्शन का एग्जीबिशन होने वाला है एक्चुअली विंग यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि यहाँ की कलेक्शंस में एक एंजल की स्टैचू भी थी विंग वांग जी को एक रूम में ले जाता है पर वो गलती से दूसरे रूम में चला जाता है वहाँ दो बॉयज़ के स्टैचू होते हैं जो नेकेट होते हैं और उनकी बॉडी पोजिशन आप लोग समझ जाओ <laughs> समझदार के लिए इशारा काफ़ी <laughs> विंग विंग और वांग जी वो दोनों स्टैचू देखकर कर शॉक हो जाते हैं विंग को बहुत एम्बरसिंग फील हो रहा होता है वो वांग जी को वहाँ से ले जाना चाहता था इसलिए वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता है बट इसके बाद उसे और भी ज़्यादा वियर्ड फील होता है और वो तुरंत वांगजी का हाथ छोड़ देता है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है फिर विंग UH, वांगजी को सही रूम में ले जाता है और उसे सॉरी बोलता है उसे गलत रूम में ले जाने के लिए फिर विंग वांगजी को एक मूवी दिखाने के लिए ले जाता है विंग मूवी देख रहा होता है और वांगजी सिर्फ विंग को मूवी के बाद दोनों डिनर के लिए जाते हैं इस बार विंग अपने लिए स्पाइसी और वांग जी के लिए सिंपल फूड ऑर्डर करता है डिनर करने के बाद जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तब भी उनके बीच में थोड़ी अकवर्डनेस थी इसलिए कोई भी बात नहीं कर रहा होता घर जाने के बाद दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं विंग को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचता है कि मैं वांग जी को हैप्पी करने के लिए वहाँ ले गया था पर मेरे आज एक भी पॉइंट नहीं बड़े होंगे फिर वो सो जाता है विंग को फिर से एक ड्रीम आता है और उसे आज ड्रीम में दो बच्चे दिखते हैं जो एक साथ खेल रहे होते हैं और बहुत मस्ती कर रहे होते हैं एक लड़का दूसरे लड़के का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि लंजा आई प्रोमिस मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़ नहीं जाऊँगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा फिर लंजा उस लड़के को एक लॉकेट देता है और उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए कहता है इसके बाद विंग को फिर से एक सीन नज़र आता है जिसमें वो लड़का जिसके पास लॉकेट होता है वो कार में लॉक होता है और बार बार लंजा को हेल्प के लिए बुला रहा होता है तब विंग की नींद खुल जाती है विंग सोचता है कि लॉकेट वांगजी के पास है अगर वो लॉकेट वाला लड़का वांगजी है तो ये लंजा कौन है एंड फ्रेंड्स यहाँ पर विंग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है एंड आई थिंक अभी तक आप लोग यह समझ गए होंगे कि मतलब आप लोग को ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा एंड फ्रेंड्स अगर नहीं हुआ है तो यार मैं तो हूँ ही नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग का ये कन्फ्यूज़न मैं क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट डे विंग और वाग जी का फिर से डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और कॉलेज चले जाते हैं विंग सोचता है कि टास्क कंप्लीट करना और भी ज़्यादा टफ होता जा रहा है इस वांग जी की वजह से मुझे कॉलेज भी आना पड़ता है और ये बोरिंग लेक्चर भी अटेंड करने पड़ते हैं कुछ टाइम बाद एक लड़की विंग के पास आती है और उससे बातें करने लगती है एंड फ्रेंड्स विंग को तो सब जानते हैं एंड हम सब के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग विंग भी उससे फ्लॉट करने लगता है वो लड़की विंग को आज उसके साथ डेट पर जाने के लिए पूछती है विंग हाँ कहने वाला होता है पर तभी उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसे घूर रहा है जब विंग वांगजी की तरफ देखता है तो वांग जी उसे ही देख रहा होता है विंग को याद आता है कि जब वो जियांग चेंग और न्यू हुसेंग के साथ गया था तो वांगजी उसे कितना गुस्सा हो गया था इसलिए विंग उस लड़की को मना कर देता है क्योंकि उसे तो बस अपना टास्क कंप्लीट करना था और अपने पॉइंट्स बढ़ाने थे विंग को फिर भी वांगजी की आंखों में थोड़ा गुस्सा दिखता है इसलिए विंग वांगजी के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बात करने लगता है कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं पर विंग को वांगजी बहुत ही कम स्माइल करते हुए दिखता था विंग सोचता है कि पंद्रह दिन बीत चुके हैं मुझे यहाँ पर आए हुए पर वांगजी तो कभी स्माइल भी नहीं करता मैं ये टास्क कैसे कम्प्लीट करूँगा तभी विंग को पता चलता है कि वांगजी का बड़ा ब्रदर लेंस चैन आने वाला है आज विंग को वांगजी थोड़ा स्माइल करते हुए दिखता है विंग सोचता है कि वांग जी बचपन से ही अकेला रहा है उसके सिर्फ एक ही रिलेटिव है उसका ब्रदर जो कि यह आने वाला है और इसलिए वांग जी खुश है तो मैं वांग जी को हैप्पी करने के लिए चैन की हेल्प ले सकता हूँ फ्रेंड्स इस स्टोरी के दो या तीन पार्ट और होंगे इसके बाद आप किस फैनफिक के एक्सप्रेशन सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा एंड फ्रेंड्स उनकी प्लीज़ यार लिंक शेयर कर दीजिएगा एंड मैं आप लोग से एक बात और शेयर करना चाहती थी जैसे कि एंजल इन लव एंड पजल मैरिज ये दोनों फैनफेक मैंने लिखे हैं तो गाइस मैं विंग को एंजल के कैरेक्टर में देखना चाहती थी इसलिए मैंने ये फैनफिक लिखा था एंड फ्रेंड्स अगर आप लोग के भी ऐसे कोई पर्सनल थाट या इमेजिनेशन हो जिस कैरेक्टर में आप विंग या वांग जी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में एंड फ्रेंड्स आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप मॉडर्न माउंटीन फैनफिक सुनना चाहते हैं या हिस्टोरिकल वैसे तो है का मुझे हिस्टोरी को फैनफेक ज़्यादा पसंद है बाकी आप लोग की चॉइस एंड अगर आप लोग कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बाय बाय